नागपुर पुलिस के लिए साल 2019 बहुत चुनौतीपूर्ण रहा। इस साल शहर में दो बड़े इलेक्शन हुए, लोकसभा और राज्यसभा इलेक्शन के दौरान भी पुलिस ने सतर्क रहकर कानून और सुव्यवस्था बनाए रखी। इसके बाद अयोध्या श्री राम जन्मभूमि मुद्दे पर भी शहर में पुलिस के बंदोबस्त के चलते कोई हिंसा नहीं हुई। साल के अंत में 16 दिसंबर से 21 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र चला। इस दौरान शहर में मुख्यमंत्री से लेकर गृह मंत्री, साथ ही कई नेता और विधायक शहर में मौजूद थे। इनकी सुरक्षा का जिम्मा भी पुलिस पर था और पुलिस ने यह जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई। इसके साथ ही विधान भवन पर अधिवेशन के दौरान कई मोर्चों ने विभिन्न मांगों के लिए दस्तक दी। इस दौरान भी पुलिस ने कड़ा बंदोबस्त किया था, इसलिए प्रदर्शनकारियों ने हिंसा का मार्ग छोड़कर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। देश में CAA और NRC के विरोध में लोग सड़क पर उतर आए हैं, जिसका असर नागपुर में भी दिखाई दिया। लेकिन पुलिस के तगड़े बंदोबस्त की वजह से शहर में शांतिपूर्ण माहौल बना रहा। साल 2018 के तुलना में साल 2019 में नागपुर शहर में आपराधिक घटनाओं में 10% कमी आई है, जो मुख्य अपराध है, जिसमें रॉबरी, डकैती, सेंधमारी, मारामारी, लूटपाट, महिलाओं पर होने वाले अत्याचार, इन मामलों में अपराध 10% कम हुआ है। पिछले साल के तुलना में हत्या के मामलों में 6 घटनाएं बढ़ी है। इस साल कुल 83 हत्या के मामले दर्ज किए गए, जिसमें से 39 हत्या के मामले पारिवारिक कलह के आपस में घटे हैं, 27 मामले मामूली विवाद के चलते और 17 मामले पुराने विवाद के चलते हुए हैं। नागपुर पुलिस आयुक्तालय द्वारा मिले आंकड़ों के अनुसार साल 2018 में 8,475 आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे और साल 2019 के शुरुआत से लेकर अब तक 7,617 मामले दर्ज किए गए हैं। इस अनुसार कुल मामले 858 से कम हुए हैं और ये शहर के लिए अच्छी बात है। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपराधिक मामलों के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। साल 2018 में हत्या के 77 मामले दर्ज हुए थे, तो वही 2019 में हत्या के 83 मामले दर्ज हुए हैं, यानी कि आंकड़ा 6 से बड़ा है, लेकिन 39 मामले पारिवारिक कलह के हैं। साल 2018 में डकैती के 25 मामले दर्ज हुए थे, तो वही 2019 में डकैती के 15 मामले दर्ज हुए हैं, जिसमें 10 की घट है। साल 2018 में रॉबरी के 242 मामले दर्ज हुए थे, तो वही 2019 में रॉबरी के 202 मामले दर्ज हुए हैं, जिसमें 40 की घट है। साल 2018 में धोखाधड़ी के 467 मामले दर्ज हुए हैं, तो वही 2019 में धोखाधड़ी के 378 मामले दर्ज हुए हैं, जिसमें 90 की घट है। साल 2018 में दुष्कर्म के 164 मामले दर्ज हुए थे, तो वही साल 2019 में दुष्कर्म के 159 मामले दर्ज हुए हैं, जिसमें 5 की घट है। साल 2018 में अन्य 1,788 मामले दर्ज हुए हैं, तो वही साल 2019 में अन्य 1,629 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें 159 की घट है। हम पूरे नागपुर शहर में काफी स्ट्रॉन्ग पुलिस बंदोबस्त लगाने वाले हैं। उसमें हमारा फिक्स पॉइंट है, पेट्रोलिंग है, या जो क्रिमिनल रिकॉर्ड के हैं उनको हम पहले प्रतिबंधक कार्रवाई भी कर रहे हैं। इसके अलावा पूरे शहर में कम से कम 70 जगह हम नाकाबंदी लगा रहे हैं। वहाँ पे हमारे ट्रैफिक वाले रहेंगे, पुलिसन के लोग रहेंगे, और कोई भी शराब पी के गाड़ी चलाएगा तो उस पर हम कार्रवाई करेंगे। ये कार्रवाई आज ही हम रात से शुरू कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे इम्पोर्टेंट प्लेसेज हैं, जैसे फुटाड़ा तालाब है या और सब तालाब है, या जहाँ पर लोग रहते हैं रात में घूमते हैं, या जैसे धर्मपेट है जहाँ पर बच्चे जमा होते हैं, तो वहाँ पर हम स्पेशल बंदोबस्त रख रहे हैं। तो लास्ट ईयर भी हमने काफ़ी स्ट्रॉन्ग बंदोबस्त रखा था और कहीं भी कोई अप्रिय घटना नहीं हुई थी। तो उसी हिसाब से आज भी हम पूरे शहर में बंदोबस्त रखेंगे 31 को, और मेरी पूरी उम्मीद है कि लोग हमको कॉपरेट करेंगे और नागपुर शहर में पूरी शांति के साथ, अमन के साथ 31 मनाया जाएगा। पुलिस आयुक्त डॉक्टर भूषण कुमार उपाध्याय ने बताया कि शहर के कुख्यात बदमाश जेल में बंद है। 41 आरोपियों पर MPD की कार्रवाई की गई, 13 आरोपियों पर मौका लगाया गया। साथ ही महाराष्ट्र राज्य में नागपुर में MPD की कार्रवाई सबसे ज्यादा की गई है। गैंगस्टर संतोष आंबिकर, अपू बाल्या, लिटिल सरदार जैसे कुख्यात अपराधी जेल में बंद रहने से अपराधी घटनाएं कम हो रही है। पुलिस आयुक्त ने पुलिस विभाग को सहयोग करने के लिए शहर की जनता और पत्रकारों का आभार माना। इस मौके पे मैं सारे नागपुर को शुभेच्छा देता हूँ।
सबका हेल्थ अच्छा रहे, सबको वेल्थ प्राप्त हो और सब प्रेम और मोहब्बत के साथ रहें, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और सबको शुभेच्छा देता हूँ। इसी तरह शहर के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते सभी ने पुलिस को मदद की तो आने वाले नए साल में भी शहर में कानून सुव्यवस्था बनी रहेगी और अपराधी घटनाएं कम होगी, जो कि हम सबके लिए अच्छा है। ऐसे ही शहर के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम सब ने पुलिस विभाग की मदद करनी चाहिए और खुद के साथ ही शहर को सुरक्षित रखना चाहिए। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागढ़े के साथ एकता गहरवार की रिपोर्ट।